अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड रमदान सीरीज़। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फुटबॉल, चिकन चीज़ फुटबॉल। तो फुटबॉल के नाम से तो बच्चे लोग ऑब्वियसली खाना चाहेंगे, मेरा बच्चा तो स्पेशली खाना चाहेगा क्योंकि वो फुटबॉल का बहुत दीवाना है। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया है 250 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन है जिसको मैंने इतने छोटे छोटे पीसेस में क्यूब्स में कट कर ली हूँ। आप लोग को चाहिए तो आप लोग चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हो, बट मैंने इसको हाथों की मदद से एकदम फाइनली चॉप की हूँ। तो ये हमें लगेगा 250 ग्राम, और हमें लगेगा स्प्रिंग ऑनियन, ये तकरीबन 1/4 कप है, और 1/4 कप ही हमें कोथमीर भी लगेगी। और यहाँ मैंने दो हरी मिर्ची ली हूँ जिसको मैंने फाइनली चॉप कर ली हूँ। और फिर हमें लगेगा 1 टेबलस्पून हमें चाहिए मैदा, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून हमें चाहिए ओरिगैनो। नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार, मैं यहाँ कम ले रही हूँ क्योंकि इसमें चीज़ भी ऐड होना है तो नमक ज़्यादा नहीं हो, इसलिए मैंने पहले कम लिया। अगर लगेगा तो मैं वापस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है काली मिरी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ जिसमें जिंजर कम है, गार्लिक ज़्यादा है। तो मैंने ली हूँ प्रोसेस चीज़ ली हूँ, आप मोजरेला ले सकते हो, आप कोई भी टाइप का चीज़ ले सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ ली हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक स्लाइस तो मैंने वो भी ले ली हूँ। इसके अंदर जितना आप चीज़ डालोगे ना उतना अच्छा आपका ये बनेगा, तो इसलिए आप लोग चीज़ में कंजूसी ना करिए और चीज़ भरपूर ऐड करिए तो उससे ही अच्छा आपका बनेगा। और यहाँ पे हमें लगेगा 1 एग व्हाइट भी, और उसको बड़े ही अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमें इसको मैरिनेट करना है, ठीक है। तो यहाँ अभी हम ले लेंगे ब्रेड। तो अभी हमें क्या करना है, आप साइड भी काट के यूज़ कर सकते हो, बट हम साइड वेस्ट क्यों करें, तो हम साइड के साथ ही इसको पूरा कट करेंगे। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे कट करना है। ये ब्रेड लिया हमें, इसके एकदम क्यूब्स होते हैं ना, छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेने हैं। हमें ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स ले लेने हैं, छोटे छोटे से क्यूब्स होते हैं ना, वैसे आपको कट करके ये सारे के सारे ब्रेड ले लेना है। जैसे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने पूरा ब्रेड काट के ले लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, देख लीजिए आप लोग एकदम। हमें छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेने, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा आप बहुत खुश होंगे उससे। तो इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत करिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा। तो चलिए अभी हम उसको कोट कर लेंगे हमारे जो चिकन को हमने मैरिनेशन करके रखा है उससे। तो यहाँ देख सकते हैं बैटर कितना यमी लिशियस लग रहा है आफ्टर मैरिनेशन। तो चलिए सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून ब्रेड के ऊपर डाल देंगे और उसको अच्छे से कवर करके हम एक बॉल का शेप दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह हमें जैसे लड्डू कैसे बनाते हैं बस वैसे ही हल्के हाथों से हमें प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ बन के रेडी हो गया हमारा एक बॉल, ऐसे करके हम सारे के सारे मिला के अच्छे से रेडी करके ले लेंगे। इसको बनाना आसानी है, कोट करना ज़्यादा मेहनत तो नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे सारे के सारे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा कोटिंग करके हो गया है ये चिकन चीज फुटबॉल। तो देखिए आप लोग कैसे दिख रहा है फुटबॉल की तरह ही। अभी हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज करके रख सकते हैं। आप लोग उसको रमजान में आप लोग फ्रीजर में फ्रीज करके एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन तो रख सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग जो भी फ्रीज करें उसको महीने भर के लिए मत करिए, उसको एटलीस्ट एक हफ्ता 10 दिन तक ही चलाइए, उसको ज़्यादा मत चलाइए, तो टेस्ट भी बिगड़ जाता है और हेल्थ वाइज के लिए भी वो अच्छा नहीं होता है। तो चलिए हमें इसको एयरटाइट कंटेनर में रख देती हूँ और फिर जब चाहिए हम उसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है, अभी मैं इसके अंदर हमारी जो फुटबॉल जो हमने बनाया था वो डाल देंगे। बट आपको फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखना है, वरना बहुत ही जल्दी वो एकदम ब्राउन हो जाता है। अगर ऊपर से ज़्यादा ब्राउन हो गया और अंदर से कच्चा रहा तो आपको कुछ मतलब नहीं है, तो इसलिए आप मीडियम फ्लेम पे ही उसको पकाना ताकि अंदर से भी वो चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए और ऊपर से भी ब्राउन हो जाए। तो देखिए यहाँ पे रेडी हो गया हमारा चिकन फुटबॉल, कितना यम्मी लिशियस लग रहा है ना। तो ये हमें सर्व करना है ये जो मैंने गार्लिक सॉस बनाई उसके साथ। आप लोग ऊपर से स्प्रिंकल भी कर सकते हो या उसको डिप करके भी खा सकते हो। तो देखिए कितना यम्मी डिशेज लग रहा है, एकदम चीज़ी चीज़ फुटबॉल। आप लोग ज़रूर बनाइए आपके रमज़ान में, और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। और गार्लिक की रेसिपी मेरे शॉर्ट्स में है, तो मैं इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फिकर नॉट, वन क्वीन शेफ इज़ हियर। तो चलिए आप लोग भी बनाइए, इंजॉय करिए रमज़ान के मौसम में ये यम्मी डिशेस। ये चिकन चीज़ फुटबॉल देख सकते हैं, फुटबॉल देखते साथ ही मेरा बेटा भी आ गया,
तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आई डी।